हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यस आई एम मैडी। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। इस चैनल पर आपको बहुत सारी टेक्निकल चीजें सीखने को मिलेगी। आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको शॉर्ट देखने को मिलेंगे और भी आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम एप्लीकेशन की ट्रिक्स देखने वाले हैं, वो कौन सी होगी चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम एक एप्लीकेशन देखने वाले हैं जिसके अंदर हम अनलिमिटेड वीडियोज एंड फोटोज अपलोड कर सकते हैं और वो फोटोज वहाँ पर सेव हो जाएंगे। वो फोटो सिर्फ आप ही देख पाएंगे और वो सिक्योर भी रहेंगे। इसके अंदर आप अनलिमिटेड स्पेस यूज कर सकते हो, उसके अंदर कोई भी स्पेस की लिमिट नहीं होगी। वो कौन सी एप्लीकेशन है चलिए देखते हैं। हम हमारे मोबाइल में फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सबसे ऊपर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है राइट समथिंग हियर, इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर फोटो वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जहाँ से हम लोग फोटो और वीडियो ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर टाइटल टाइप कर देंगे। टाइटल टाइप करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में नीचे कॉर्नर की तरफ आपको फोटो वीडियो का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको सिलेक्ट मल्टीपल पे क्लिक करना है। सिलेक्ट मल्टीपल पे क्लिक करने के बाद आप सिलेक्ट कर लेंगे मल्टीपल फाइल्स वीडियोस और फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं ये सब अपलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके नाम के नीचे फ्रेंड्स लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो फोटोज आपने अभी जो ऐड की है अपलोड की है वो फोटोज़ कौन कौन देख सकता है। तो आप यहाँ पर ओनली मी सिलेक्ट कर लेंगे और डन कर देंगे। जैसे ही डन करके पोस्ट पे क्लिक करेंगे अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ अपलोड किए थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। और अब आप सेटिंग्स में जाके एडिट पोस्ट पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं, ये सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, मेरे अलावा यहाँ पर इन वीडियोज़ को इन फ़ोटोज़ को कोई नहीं देख सकता। तो इस तरीके से हम हमारा डेटा यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं। अब दूसरी एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप फ्री में ग्रामरली यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उसके अंदर कोई भी सेंटेंस टाइप करेंगे और वो आपको करेक्ट करके दे देगा। अगर आपने सेंटेंस भी गलत लिखा है तो वो भी आपको करेक्ट करके देगा, और अगर आपने स्पेलिंग भी मिस्टेक किया है तो वो भी आपको करेक्ट करके देगा। तो वो कौन सी एप्लीकेशन है और हम ये कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। हम हमारे मोबाइल में गूगल डॉक्स एप्लीकेशन ओपन करेंगे। यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको प्लस आइकन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम न्यू डॉक्यूमेंट ले लेंगे। न्यू डॉक्यूमेंट लेने के बाद अब मैंने एक टेक्स्ट कहीं से कॉपी किया है वो मैं यहाँ लाके पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट किया और एंटर किया। जैसे ही एंटर किया तब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ब्लू लाइन एंड रेड लाइन आ रही है। ब्लू लाइन का ये मतलब है कि आपने जो सेंटेंस लिखा वो गलत है। रेड लाइन का जो मतलब है वो है कि आपने स्पेलिंग गलत लिखी है। तो अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इस पर उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये मुझे ऑटो करेक्ट करके दे रहा है आर यू, और जैसे ही मैं वेलकम जो मैंने लिखा है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे स्पेलिंग करेक्ट करके देगा। यूट्यूब चैनल ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर भी मैं क्लिक करता हूँ तो इसने यूट्यूब की स्पेलिंग करेक्ट की, और चैनल पर क्लिक करता हूँ तो चैनल की स्पेलिंग भी इसने करेक्ट की है। और इसी तरीके से आपको राइट हैंड साइड में थ्री डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको वर्ड काउंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है 13 वर्ड्स हैं और 66 कैरेक्टर हैं, और कैरेक्टर एक्सक्लूडिंग स्पेसेस जो हैं वो हैं 56। तो इस तरीके से हम ये चेक कर सकते हैं। आज इस वीडियो की लास्ट एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप कोई भी फोटो को एज ए वीडियो, यानी कि आप उसको क्लिप बना सकते हैं। कुछ 5 सेकंड का 10 सेकंड का आप क्लिप बना सकते हैं, उसमें आप फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर आप कोई भी म्यूजिक सेट कर सकते हैं। तो वो कौन सी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम ये सब कर सकते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। हम हमारे मोबाइल में इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हम प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम स्टोरी वाले बटन पर क्लिक करेंगे। स्टोरी वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कोई एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद हम इफ़ेक्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे और फिर हम लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करते जाएंगे। तब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के फ़िल्टर मिलेंगे।
आप कोई भी एक फिल्टर चूज करके डन बटन पे क्लिक कर देंगे। डन बटन पे क्लिक करने के बाद हम थ्री डॉट्स पे वापस क्लिक करते हैं। थ्री डॉट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सेव बटन का ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ से हम सेव कर लेंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे, ये फ़िल्टर किया हुआ फ़ोटो हमारे मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में सेव हो जाएगा और हम उसको कहीं पे भी यूज़ ले सकते हैं, यानी कि हम कोई भी दूसरे सोशल मीडिया पे उसको पोस्ट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अभी मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ और फिर से हम प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं और हम रील वाले बटन पे क्लिक करेंगे। रील वाले बटन पे क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ से एक वीडियो ले लेंगे। एक वीडियो सिलेक्ट किया मैंने और मैं ऐड बटन पे क्लिक कर दूंगा। ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद प्रीव्यू बटन पे क्लिक करूंगा। प्रीव्यू बटन पे क्लिक करने के बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाऊंगा। फिर से मैं हम यहाँ पर भी लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके के फिल्टर मिल जाएंगे। और फिर हम डन पे क्लिक कर देंगे। डन पे क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में डाउन एरो दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करके इसको सेव भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर टैक्स भी ऐड कर सकते हैं और भी काफ़ी तरह की GIF यहाँ पर आप इस वीडियो के साथ ऐड कर सकते हैं और वो ऐड करने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो सेव हो चुका है मेरे मोबाइल की मेमोरी में। अब मैं एक बार देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ये वो वीडियो जिस पर अभी हमने फिल्टर लगाया था और ये हमारे मोबाइल डिवाइस में अभी सेव है। तो इस तरीके से हम एक क्विक वीडियो बना सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, उसमें फ़िल्टर लगा सकते हैं और हम हमारे दूसरे किसी भी सोशल मीडिया पर उसको डाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें मेरे साथ ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।